Good morning, students. Class 7th, chapter 2, fractions and decimals. Today we will start exercise 2.4, page number 46. It is very simple exercise. Then see, please, page 46. Now we are starting exercise 2.4, question number 1st. Our first, 12 divided by 3 upon 4. 12 divided by 3 upon 4. See, fraction का divide कैसे करते हैं देखिएगा. 12 upon 1 लिख सकते हैं जिसका denominator नहीं दिया हो उसका denominator हम क्या मानते हैं 1. और जो divide जिससे divide करना हमको उसका हम reciprocal लिखेंगे. मतलब divide convert into multiply ये 3 upon 4 है तो क्या हो जाएगा? Yes, 4 upon 3. ठीक है, डिजिट जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. ये जो 4 अपॉन 3 है ये क्या है? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3 अपॉन 4. 3 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल है. अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, देन 3 1 का 3, 3 4 का 12. अब न्यूमरेटर के डिफरेंट में मल्टीप्लाई, 4 4 का 16, 1 5 का 1. 16 अपॉन 1 मींस 16. That is the answer. इस तरह फर्स्ट के सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे. फिर भी मैं आपको एक मिक्स नंबर वाला क्वेश्चन बता देता हूँ. फिफ्थ, 3 डिवाइड बाय 2 और 1 अपॉन 3. फिफ्थ देख लीजिए, 3 डिवाइड बाय 2 और 1 अपॉन 3. जब मिक्स फ्रैक्शन हो तो पहले हम क्या करेंगे? हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो सी प्लीज, हमने इसको कन्वर्ट किया. 3 divided by 3 to the 6 plus 1 7, 7 upon 3. और जिसका denominator नहीं होता उसमें हम 1 मान लेते हैं, इसको solve कर देते हैं. 3 upon 1 as it is रहेगा, divide convert into multiply. Reciprocal of 7 upon 3 will be 3 upon 7. 7 upon 3 का 3 upon 7. अब ये cancel नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? 3 3 the 9 अपॉन 7 बन गया 7. 9 अपॉन 7. और आप इसको इंप्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि 9 डिवाइड बाय 7, तो 7 से डिवाइड करते हैं 9 को, देन 7 बन गया 7. ये हुआ क्वेश्चन. 9 में से 7 माइनस किया तो 2 बचा. रिमाइंडर 2 न्यूमरेटर बनेगा और काय से डिवाइड किया था हमने 7 से, तो 7 डिनोमिनेटर में लिख दीजिए डिवीजर को. ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. आप डिवाइड करके देख सकते हैं साइड में, आपको मालूम है ना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. सो दिस इज 7 का 7 प्लस 9, 9 अपॉन 7, 9 अपॉन 7. कंप्लीट. इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और सभी क्वेश्चन सेम है. सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. हमें ये जो फ्रैक्शन दी है इनका रेसिप्रोकल लिखना है. क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन. और रेसिप्रोकल जो को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बताना है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स, मतलब जो रेसिप्रोकल को है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर भी बताना है. यस, सी फर्स्ट, 3 अपॉन 7. 3 अपॉन 7, अब इसका रेसिप्रोकल लिखना है. दैट मींस द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ 3 अपॉन 7 विल बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3. रेसिप्रोकल में क्या करना है बेटा आपको? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बना देना, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. साइन कभी भी चेंज नहीं होगा. अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस होगा तो माइनस ही रहेगा. साइन कभी चेंज नहीं होता है. साइन चेंज होता है, यस, एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स में जो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है. मान लो अगर इसका एडिटिव इनवर्स ले रहे होते हैं हम 3 अपॉन 7, देन द एडिटिव इनवर्स 3 अपॉन 7 इज माइनस 3 अपॉन 7. क्योंकि जब दोनों को ऐड करके सम करते हैं तो सम कितना आना चाहिए? 0. तो 1 प्लस 1 माइनस होगा तभी 0 आएगा. और यहां पर रेसिप्रोकल या इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसमें 3 अपॉन 7 को आप ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट करें तो बना है. तो जब 3 अपॉन 7 में 7 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई करोगे, अगर हमने यहाँ लिख दिया 7 अपॉन 3,
तो सेवन से सेवन कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, आंसर वन प्रोडक्ट वन, यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल कहलाता है। रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको सारे क्वेश्चन का रेसिप्रोकल लिखना है। अब इसमें देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको फिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या कन्वर्ट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 2 टाइम टेबल। क्वेश्चन 2, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 बचा, 1 ऊपर आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया था 3 के ऊपर, है ना। ये डायरेक्ट डिवीजन करके आपको समझ में आना चाहिए, वहां भी मैंने बताया था, मैं आपको करके बता देता हूं। देखिए, और ये 7 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, ये 6 माइनस किया, 7 माइनस 6 1 2 होल 1 अपॉन 3 2 होल 1 अपॉन 3, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपको समझना है, और सारे क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट के साथ लिखना है। ये था आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने बोल दिया आपको जैसा उसने कैटेगरी डिवाइड किया था, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करके प्रॉपर फ्रैक्शन में लिया है, होल नंबर 2 है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन 1 अपॉन 3, इज इट क्लियर, ठीक। अब क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल को या तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये होल नंबर है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। नाउ नेक्स्ट, इस तरह आप सभी डिजिट को कर सकते हैं, सारे आपको फिर कॉपी में लिखना है, सेकंड में 5 अपॉन 8, 5 अपॉन 8, देन यू विल राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू, यस, 8 अपॉन 5। ये भी देखिए न्यूमरेटर ग्रेटर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम काय में कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि होल नंबर भी रहेगा और प्रॉपर फ्रैक्शन में भी हो जाएगा। 5 बन जा 5, जो क्वेश्चन जब आ गया है 8 माइनस 5 3, 3 न्यूमरेटर और काय से डिवाइड किया था 5 से, इतना डायरेक्ट करना आना चाहिए आपको बेटा ना। चलिए आप इस तरह सारे क्वेश्चन आप फेक कॉपी में कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल, फाइंड 7 अपॉन 3 डिवाइड बाय 2, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा बेटा, 3 का फर्स्ट, फाइंड 7 डिवाइड बाय 3, 7 अपॉन 3 डिवाइड बाय 2, 7 अपॉन 3 डिवाइड बाय 2, तो हम क्या करेंगे बेटे, इस 2 का डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 1, देन सॉल्व फर्स्ट मेथड के अनुसार 7 अपॉन 3 विल बी 7, रेसिप्रोकल ऑफ 2 अपॉन 1 विल बी 1 अपॉन 2, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 का 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा डिवाइड के बाद वाले डिजिट को ही कन्वर्ट करना, पहले वाले इसको मत कर दीजिएगा, इसमें फर्स्ट डिजिट में डिनोमिनेटर नहीं दिया था, सेकंड में दिया है, इसमें फर्स्ट डिजिट में डिनोमिनेटर दिया, सेकंड में नहीं, ये चलता है। आप कैंसिल नहीं हो रहा तो ऊपर ऊपर की डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 अंदर 7 और 3 2 6, दिस इज द आंसर। आप चाहें तो बीच नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 बन गया 6, 7 माइनस 6 इज 1 अपॉन 6, 1 होल 1 अपॉन 6, चेक करें 6 बन गया 6 प्लस 1 7, 7 अपॉन 6 7 अपॉन 6। चलिए अब और समझ लीजिए आपका ऐसा क्वेश्चन नंबर 2, 2 तो सेम है, मैं आपको इसमें कौन से सभी सेम है, चलो एक बीच नंबर का बता देता हूँ, 5th देख लीजिए या 4th देख लीजिए, 4th देखिए 4 और 1 अपॉन 3 डिवाइड बाय 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 और 1 अपॉन 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल, सी 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन 3 डिवाइड कन्वर्टिंग टू मल्टीप्लाई, दिस वाज 3 अपॉन 1 इट विल बिकम 1 अपॉन 3। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया है, 13 बन जा 13 अपॉन 3 3 जा 9, अगेन वी हैव कन्वर्टिंग टू मिक्स फ्रैक्शन, ये याद हो जाना चाहिए आपको, 9 बन जा 9 जो 2 जा 18 हो जाएगा, 9 बन जा 9, 13 में से 9 माइनस करा तो कितना बचा बेटा 4,
फोर डिवाइड बाय नाइन जो डिनोमिनेटर को एक चीज आएगा ये भी सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, फाइंड टू अपॉन फाइव डिवाइड बाय वन बाय टू। फर्स्ट टू अपॉन फाइव डिवाइड बाय वन बाय, इट्स सो सिंपल, टू अपॉन फाइव divide converting to multiply 1 upon 2 ka 2 upon 1, what is this reciprocal, this is the reciprocal of 1 upon 2, 1 upon 2 ka reciprocal 2 upon 1, cancel nahi ho raha hai, 2 2 ja 4 upon 5 ban ja 5, ye kaun si fraction hui beta, proper fraction, because numerator is less than denominator, so we cannot convert it into mixed fraction. Now question number फोर्थ देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, बाकी सभी क्वेश्चन सेम है। चलिए आप एक काम कीजिए, ऐड देख लीजिएगा, दोनों में मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, उसमें सिक्स्थ सेवंथ या एट्थ दोनों सेम क्वेश्चन है, सेवंथ देख लीजिएगा, फोर्थ का सेवंथ सी, इट इज वेरी सिंपल, थ्री और वन अपॉन फाइव, 3 over 1 upon 5 divide by 1 whole 2 upon 3, 1 whole 2 upon 3. What we will do? Firstly, mixed fraction we will convert into improper fraction. Improper fraction means numerator greater or less. Dekhi, 5 threes are 15 plus 1 16, 16 upon 5. 16 upon 5 डिवाइड कन्वर्टिंग टू मल्टीप्लाई। अच्छा पहले अपन डिवाइड का साइन करते हैं, फिर बाद में चेंज करेंगे बेटा। डिवाइड बाय 3 वन का 3 प्लस 2 5, 5 अपॉन 3, नाउ वी विल कन्वर्ट इट, 16 अपॉन 5 डिवाइड कन्वर्टिंग टू मल्टीप्लाई, 5 अपॉन 3 का क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 5, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5 अपॉन 3 इज 3 अपॉन 5, इजी हो गया, क्योंकि अब कैंसिल नहीं हो रहा है, 16 3 का 48 एंड 5 5 का 25, आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में 48 डिवाइड बाय 25 इट विल बिकम 25 टू जा 50 तो 25 बन जाए, 25 ही जाएगा, डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको लिखना है, ठीक। सो नाउ यू शुड डू द प्रैक्टिस ऑन योर लेवल and all the sum you have to note in your fair copy beta, and write in comments if you understand, yes sir I understood, every day you should be give the comments, got it, it is must, in the next class we will start exercise 2.5, you have to do the practice of this exercise and example also, okay beta, thank you very much, you are very good students.